ओम शांति। आज 4 सितंबर 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 1 अप्रैल 1992। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने उड़ती कला का साधन बताया। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए ज्ञानयुक्त भावना और स्नेह संपन्न योग दोनों का बैलेंस चाहिए। बहुत सुंदर बात और बड़ी गुह्य बात आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ भावुक नहीं बनो। भावना वाले बच्चे याद करते हैं, प्यार करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन सदा शक्तिशाली, सदा विजय का अनुभव नहीं करते हैं। सदा विजयी बनने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए। अटूट याद से सहज याद का अनुभव, शक्तिशाली याद का अनुभव कर सकते हैं। ये अटूट याद ज्ञानी योगी तो आत्माएं कर सकती हैं, ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सर्व शक्तियों को अपने में ला सकती हैं, सदा विजयी बन सकती हैं। बहुत गहरी बात बाबा आज समझा रहे हैं कि चेक करो कि कहीं हम सिर्फ भावुक तो नहीं, भावुक के साथ ज्ञानी भी बनो। और ज्ञान सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं, ज्ञान अर्थात समझदार बनना, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का भी ज्ञान, शरीर भी प्रकृति है, इसके भी नॉलेजफुल बनना। अगर कोई अपनी कमी कमजोरी से बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसको भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, शरीर के भी नॉलेजफुल बनो। साथ साथ अटूट याद वो ताकत है जिससे सर्व समस्याओं से मुक्त होकर आप उड़ता पंछी बन उड़ते रहेंगे। तपस्या के द्वारा सब विघ्नों को समाप्त करते जाना है, फर्स्ट नंबर में आना है, तो ये याद रहे कि बाबा मेरे साथ है। मेरा बाबा कहा और अधिकारी बन गए। मेरा बाबा कहने से ही आप माया जीत बन जाते हैं, माया आपको हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे, दोहराएंगे और उनका स्वरूप बनेंगे। अपनी चेकिंग करेंगे कि मेरे पास ये दोनों ही बातों का बैलेंस है या नहीं। मुरली का सार है, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। एक तो भावना मूर्त आत्माएं, दूसरा ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं। दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। चेक करेंगे अपने आप को, स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं करते हैं। सदा और सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। जो ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, वो सर्व शक्तियों की अनुभूति
और उससे सहज विजयी बनने का अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं, तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगित्व आत्माएं करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। सदा स्नेही उन आत्माओं के मन से मुख से सदा बाबा बाबा ये निकलता रहता है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगित्व आत्माएं समीप हैं, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो, जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योगी आत्मा ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगित्व आत्माओं की आवश्यकता और ज़्यादा है। आगे के समय में वैराग वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही हैं, इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगित्व आत्माओं की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? ज्ञानी योगी आत्माओं की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए, ऐसी आत्माओं की वृद्धि बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसे बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। चेक कर लेंगे हम अपने आप को, हम बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं हैं। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। विश्व सेवा कौन कर सकता है? बैलेंस वाली आत्माएं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना शुभकामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, औरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो, कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, ये चेक करो। कल्याणकारी हो या बेहद विश्व कल्याणकारी हो, ये चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया, बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाबा को अपना बना लिया, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पे पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। खुश किस्मत वाले तो बन गए ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल हैं। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण हैं, लेकिन साधारण ही साधारण रूप में आने वाले बाप को पहचानते हैं।
बाप दादा भी वीआईपी बन के नहीं आते हैं, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना, पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, अभी क्या लगता है इससे बड़ा हाल होना चाहिए। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो, प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है, तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दुरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है, बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। अपनी स्थिति को भी समझो, शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वो तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल। लेकिन आगे के लिए अटेंशन, बाप दादा भी जानते हैं बच्चे कितनी मेहनत सहन करके यहाँ पहुँचते हैं, इसके लिए मुबारक दे दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है उसको प्राप्त होना ही है, वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के दो बुजुर्ग भाइयों ने पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। दादियों से अव्यक्त बाबा की मुलाकात संगठन की शक्ति, संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो आप। निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। आप निमित्त बनी आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर सकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो, अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर वन उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही सकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। अमृत वेले जो बाप दादा ने गुड मॉर्निंग की दृष्टि दी, वो सकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना कि सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। बाप दादा ने डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? जो पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते, नए स्थान पर आए हो
वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहाँ पहुँचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में भी नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फास्ट हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है तो फर्स्ट की निशानी सदा बाबा के साथ रहना। फर्स्ट आना है तो उसकी निशानी सदा बाबा के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना लेकिन सदा साथ का अनुभव होता रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है। जब कहते हैं वो मेरा बाबा है तो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है। इसको कहा जाता सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, जब भी फ्री होते हैं सहज ही अपने घर में जाके रेस्ट करते हो। इस रीति से जब मालूम है मुझे बाबा के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो, हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। कोई कहेंगे 8 मास के, कोई 12 मास के, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिक्की लधे आत्माएं हो। अच्छे से स्वीकार करेंगे, मैं भगवान की सिक्की लधी आत्मा हूँ। सदा बाबा की अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल करके उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगा। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल करके उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्तनशीन रहते हुए सदा इस नशे में रहो, हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं होना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की हो। सदा शब्द को याद रखना, यही वरदान सब बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, वरदान अच्छे से पक्का कर लेंगे। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है, सबसे अधिक खुशी किसको है, बाप को है या बच्चों को है? तो सबने कहा बच्चों को है। बाप दादा कोई खुशी है, ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करें तो कई वर्ष बीत जाएं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं, विशेष आत्मा हो जाएं, ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाचीत स्वतः ही बन जाएंगे। मैक्सिको ग्रुप से जितना दूर है उतना दिल से समीप हो, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं, एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है, तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो। मैं बाबा का अमूल्य रतन हूँ ऐसा समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाबा ने ढूंढकर अपना बना लिया। आज की दुनिया में
जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं उनसे आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इस खुशी में रहो कि इस जीवन में जो पाना था सब पा लिया। न्यूजीलैंड, न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो कि हम सारे विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं, तो जहाँ रहते हो उसको नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को, बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं, टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की, इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर वरदान। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता था जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो, अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते इच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा है मोटा धागा, अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। सूक्ष्म में जो इच्छाएं हैं उन्हें भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। आज हम याद करेंगे मैं बाप दादा का अमूल्य रतन हूँ, सिक्की लधा बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में भी कोई चुनना है। मैं बाबा का अति लाडला, कल्प पहले वाला सिक्की लधा बच्चा हूँ। बाबा स्वयं मुझसे प्यार करते हैं, मुझे शक्तियां देते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।